Hello everyone, welcome back to your own real homemaking channel once again. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे और आप लोगों ने वीकेंड बहुत इंजॉय किया होगा. तो आज संडे है, इट्स मॉर्निंग टाइम और मैं यूजुअल टाइम से थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ. अभी 6:40 का टाइम है और मैं आपको बाहर का कुछ नज़ारे दिखा रही हूँ. बहुत सेरीन, बहुत ब्यूटिफुल लगता है मॉर्निंग में. तो मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले मैं अपने बाल वगैरह बनाती हूँ फ्रेश होने के बाद, बिकॉज़ रात के बाद बाल बहुत उलझ जाते हैं. तो एक बार बाल वगैरह अच्छे से बना लूँगी और उसके बाद अपना प्लेन वाटर से फेस वॉश करूँगी. मैं कोई भी इस टाइम पे सोप या फेस वॉश वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ, जस्ट प्लेन वाटर और उसके बाद अपने टॉवल से पैड ड्राई करूँगी. कोई भी क्रीम वगैरह भी मैं इस टाइम पे नहीं अप्लाई करती हूँ अपनी स्किन पे. उसके बाद लाइक एवरीबडी एल्स मैं ब्रश करूँगी और मुझे डेंटल ड्यूटी ने ये इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश सेंट की है. दे कॉन्टेक्टेड मी ओवर ईमेल एंड दे सेंट मी दिस अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश. इट क्लेम्स सो मेनी थिंग्स लाइक 40,000 वाइब्रेशंस पर मिनट, हेल्प्स इन रिमूविंग प्लेग, हेल्दी गम्स, वाइटर टीथ एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज USB charged and also it is waterproof and it is having a long battery life. So I am using it since last 3 weeks, but abhi main aapko thoda sa ise unbox karke dikhati hu. The best part of this toothbrush is that it comes in this packaging which makes it very very travel friendly, and this is the body of the toothbrush. Iske sath aate hain 3 heads is tarike ke jo ki easily replaceable hain. And this comes with a USB charger, so it is very very easy to install as well. Bas aapko is tarike se toothbrush ka head lagana hai and it is ready to use. And it comes with so many functions that you can see on the front of the toothbrush, like white, clean, sensitive, polish or massage. And this sign shows the battery of the toothbrush. So you can turn it on and with the second button you can choose the option as per your requirement. So as per the options that you have chosen, the vibrations changes to give you the best result. And I have just used this toothbrush and for me it is a big thumbs up. I am sharing an off code for this toothbrush with you. You can go ahead and watch this on Amazon and get an off of 25% if you buy this toothbrush using the link I have provided you in the description box below. Wake up with a thought that this is the most wonderful day. इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं आपका वेलकम करती हूँ अपनी किचन में, जहाँ पे मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ अपनी मम्मा की. तो चलिए मैं दिखाती हूँ. अभी बनाते हैं गर्मा गर्म चाय इलायची, लौंग और ढेर सारी अदरक के साथ. आज मैं बनाने वाली हूँ चटपटी सी शकरगंदी की सब्जी, जिसके लिए मैंने ग्रीन चिलीज, अनियन एंड शकरगंदी काट के रख ली है. पैन में मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल और उसमें मैं डालूंगी हींग, जीरा, हल्दी पाउडर और ग्रीन चिली. इस रेसिपी में मैं कोई भी जिंजर या गार्लिक का यूज़ नहीं करती, बिकॉज गार्लिक का अपना एक बहुत स्ट्रांग फ्लेवर होता है और स्वीट पोटैटो का अपना, तो मुझे स्वीट पोटैटो का स्वीट फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है. तो इसको मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ और ग्रीन चिलीज़ को बस थोड़ा सा मैं क्रैकल होने दूँगी और उसके बाद इसमें मैं प्याज डालूँगी, ये लंबा कटा हुआ. मेरी मम्मी इस रेसिपी को आलू की सब्ज़ी बता के हमें बचपन में खिलाया करती थी और अब मुझे इन इट सेल्फ ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. तो ये एक मॉम प्रो टिप है, अगर आपके बच्चे स्वीट पोटैटो या अरबी इस तरीके का कुछ नहीं खाते तो उनको पोटैटो आप बता के खिला सकते हो. मेरी मम्मी तो ये ट्रिक अभी तक भी हम पे फॉलो करती है. अभी जब मैं रिसेंटली इंडिया गई थी तो उन्होंने एक दिन कच्चे केले की सब्ज़ी बनाई थी और वो हमें आलू की सब्ज़ी बता के खिला दी एंड इट वॉज़ सो यमी. खाने के बाद मैंने मम्मी को बोला कि इसकी रेसिपी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, तो उन्होंने बताया कि ये केले की सब्ज़ी थी.
तो एनीवेज प्याज को मैंने थोड़ा सा नमक डाल के सौटे कर लिया और उसके बाद मैंने इसमें शक्करकंदी डाल दी। थोड़ा सा मैं भुना सौंफ का पाउडर ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है चना मसाला जो इसे बहुत ही एक अमेजिंग फ्लेवर देगा और थोड़ा सा करियांडर पाउडर। दैट्स अबाउट इट। बस थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी लाइक 2-3 चम्मच पानी डाल के इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और अगेन फिर मैं लो फ्लेम पर इसको 5-7 मिनट के लिए पकने दूँगी। स्वीट पोटैटो ऑलरेडी मैंने बॉईल कर लिया था तो अब इस ये कच्ची नहीं है तो इसे मुझे पकाने का ज़्यादा टेंशन नहीं है। बस इसको थोड़ा सा मुझे अच्छे से सेकना है। आप इसे चाट की तरह भी खा सकते हैं। तो देखिए मेरा स्वीट पोटैटो अच्छे से पक गया है और अगर आप इसे चाट की तरह खा रहे हैं तो ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर लीजिए और अगर आप इसे सब्ज़ी की तरह खा रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें आप अमचूर पाउडर मिला लीजिए। तो मैंने इसमें अमचूर पाउडर मिलाया है और ये मेरी सब्ज़ी एकदम गर्मा गर्म बन के तैयार हो गई है संडे ब्रेकफास्ट के लिए। ऊपर से थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पत्ता ऐड कर लिया है। हमारे घर पराठों के साथ सभी लोग दही भी खाना पसंद करते हैं तो बस मैं सिंपल सा रायता बना रही हूँ भुना जीरा पाउडर और काला नमक डाल के। और मैं पराठे भी बना लूँगी और जब भी मैं पराठे बनाती हूँ तो सेकते मेरे हस्बैंड ही हैं क्योंकि वो पराठे बहुत अच्छे सेकते हैं। तो बस एक तरफ उन्होंने अपना तवा अभी रख के गए हैं गर्म होने के लिए, तब तक मैं अपने सारे पराठे बेल के रेडी कर लूँगी और फिर वो गर्मा गर्म पराठे सेक देंगे हम सभी लोगों के लिए। तो ये हमारा तैयार हो गया है गर्मा गर्म नाश्ता, पराठे, चाय और ये यम्मी सी सब्जी, उसके साथ रायता। अभी अभी बस ब्रेकफास्ट निपटाए और मैं अपनी गर्मा गर्म चाय लेकर बैठी हूँ, थोड़ा सा बाहर का व्यू लेते हुए पीऊंगी। आज अंशुल थोड़ा सा बिजी है, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनकी कुछ डेडलाइंस हैं प्रोजेक्ट्स की इस वीक तो वो अपना काम कर रहे हैं। गोविंद का अभी भी ब्रेकफास्ट चल रहा है। तो मैं यही बोल रही थी कि आज की रेसिपी बहुत अच्छी बनी थी। आई वुड हाईली सजेस्ट कि यही सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ एक बार आप इस सब्जी को ज़रूर ट्राई करिएगा एंड आई एम श्योर आपके सभी घर वालों को बहुत पसंद आएगी। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए मेरे लास्ट वीडियोस पे। थैंक यू सो मच, बिकॉज आप लोग इतना प्यार दिखाते हो ना तो मैं और ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है बिकॉज मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट करूँ और जब आप लोगों के इतने पॉजिटिव इतने अच्छे कॉमेंट्स आते हैं ना आई रियली इन्जॉय रीडिंग इट। फटाफट से थोड़ी सी चाय मैं फिनिश करती हूँ अपनी, उसके बाद घर को टाइडी अप करेंगे इन लाइक 40 मिनट्स में हो जाएगा। आज क्लीनिंग का ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि कल क्लीनिंग हो गई थी। ओके, डू यू वांट टू से हाय? हाय। आप देख सकते हो उसके मुंह में बाइट है और वो एक बाइट को करीब करीब 15-20 मिनट लगाता है फिनिश होने में।
घर पूरा टाइडी हो गया है और अब मैं थोड़ी बहुत अपनी मील प्रेप करूंगी। जो भी मैं ग्रीन वेजीज लेकर आती हूँ ना, वो मैं बस साफ करके रख लेती हूँ। लाइक अगर मैं मेथी लेकर आई हूँ, उसको साफ करके चॉप करके विदाउट वॉशिंग मैं एक टिश्यू पेपर में रैप करके रख लूंगी। तो इससे क्या होता है ना कि पूरा वीक बहुत स्मूथ निकलता है। कभी भी मेथी की सब्जी बनानी है, फटाफट निकालो, वॉश करो और बना लो। इसी तरीके से धनिया वगैरह मैं साफ करके रख देती हूँ और चटनी बना लेती हूँ, जिससे कि अगर किसी दिन मॉर्निंग में आँख लेट खुली और कुछ नहीं बन पाया लंच के लिए, तो मैं बस पराठे के साथ चटनी रख देती हूँ, दही रख देती हूँ और उसके साथ भी अंशुल अपना लंच आराम से कर लेते हैं, तो वीक बहुत स्मूथ हो जाता है। और यहाँ पे मेरा लिटिल चैम्प मुझे हेल्प करने आया है लॉलीपॉप खाता खाता, तो उसको मैं ऐसे धनिया साफ कर करके दे रही हूँ और वो अपने टिफिन बॉक्स में रखता जा रहा है। और शायद आप देख भी पा रहे होंगे मैं मल्टीटास्किंग कर रही हूँ, अभी धनिया भी साफ कर रही हूँ, साथ साथ उसके लिए बुक भी रीड कर रही हूँ। वो साथ में बुक भी लेकर आया है कि मम्मा मुझे बुक भी रीड करनी है, तो हम मम्मियों को तो मल्टीटास्किंग सीखना ही पड़ता है। हम लोग शावर कर रहे थे, अंशुल ने पीछे से बहुत ही यम्मी पनीर की सब्जी बनाई है, पनीर प्याज शिमला मिर्च वगैरह डाल के। मैंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, ग्रेवी बहुत रिच है। पता है मैं अंशुल को हमेशा बोलती हूँ कि ना आपको अपना कुकिंग चैनल खोलना चाहिए एंड ऑल द मेन विल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम योर चैनल, बट वो हमेशा बोलते हैं कि अरे यार मेरे चैनल को कौन देखेगा। बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्टार्ट ज़रूर करना चाहिए एंड मैं उन्हें बहुत बार बोल चुकी कि आप अपनी रेसिपीज़ एटलीस्ट मेरे चैनल पे ही पोस्ट कर दो, मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे जो फ्रेंड्स हैं वही आपको देख के बहुत खुश होंगे। बट देन ही इज़ टू शाय टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड शूट सम रेसिपीज़, बट ही इज़ अ वेरी वेरी गुड कुक। तो आज हम लोग लंच में ये वाली सब्जी और स्वीट पोटैटो वाली सब्जी खाने वाले हैं जो हमने मॉर्निंग में बनाई थी। हमारा लंच, यम्मी सी पनीर की सब्जी, स्वीट पटेटो यानी शक्करकंदी की सब्जी, चटनी और रोटी। आज अंशुल ने बहुत अच्छी सब्जी बनाई थी, मैं आपको टेस्ट करने के बाद बता रही हूँ। अगर फ्राइड राइस होता ना इसके साथ तो और मजा आता खाने में। तो अंशुल बताओ, जनता जवाब मांग रही है, अपना कुकरी चैनल कब स्टार्ट करोगे? बाकी बहुत सारे काम है भी, तुम्हारा चैनल चल जाए फिर हम। नहीं तो मेरे चैनल पे शेयर कर लो, दैट प्रॉमिस। नेक्स्ट टाइम जो बनाऊंगा वो तुम्हारे साथ, ओके? नहीं मैं वॉइस ओवर नहीं करूंगी, ऑल योर्स। डन, शेयर करोगे? पक्का। क्या शेयर करोगे? पूछ लो, आपको जो रेसिपी मेरे हाथ की, इंडो चाइनीज टाइप की डिशेस बनाने का शौक काफी है, बेक्ड डिशेस, फिर कुछ इटालियन पास्ता। तो चलो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि आप लोग कौन सी रेसिपी देखना चाहते हो, तो अंजल नेक्स्ट रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे मेरे चैनल पे। मैं तो कह के थक गई, इन्होंने कभी मेरे लिए तो कोई रेसिपी शूट नहीं करी, बट नेक्स्ट टाइम मैं अपने लिए वो लंबी वाली कैप लाऊंगा, व्हाइट वाली, और शेफ वाले कपड़े पहनूंगा, शेफ संजीव कपूर, शेफ अंशुल अग्रवाल, ये मेरा लिटिल शेफ। आप भी शूट करोगे कुछ? गोविंद कुकिंग कराएगा डैडी के साथ। आज हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं यूएस में थिएटर में फॉर द फर्स्ट टाइम। एक्चुअली जब मैं नई आई थी ना ट्यूसॉन में, तब हम लोगों ने एक बार टिकट्स बुक कराई थी, बट हम लोग जा नहीं पाए थे कुछ रीजंस की वजह से। अंशुल की अर्जेंट मीटिंग थी उनके गाइड के साथ, जिसकी वजह से हम लोगों का मूवी का प्लान ड्रॉप हो गया था। और उसके बाद फिर गोविंद हो गया था, गोविंद छोटा था तो उसको कभी भी हम लेकर नहीं गए हॉल में, क्योंकि वहाँ पे साउंड इतनी ज़्यादा तेज़ रहती है ना, तो मुझे डर लगता था कि कहीं उसके कानों को कुछ ना हो जाए, और किसी के पास छोड़ के जाने का तो कोई सेंस ही नहीं था। तो कभी हम मूवी देखने ही नहीं गए बाहर, हम जितनी भी मूवीज़ देखते थे घर पे देखते थे। बट अब गोविंद बड़ा हो गया तो आज हमने डिसाइड किया कि चलो जाते हैं बॉलीवुड मूवी बाला देखने, बहुत मज़ा आएगा। यूएस में थिएटर में बैठ के बॉलीवुड मूवी देखेंगे, वी आर सुपर डुपर हैप्पी।
लाए और कुछ चटमट ना कराएं, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। तो वो लाए हैं ये समोसा चाट है और ये पापड़ी चाट। थैंक यू। नो प्रॉब्लम, चले। थैंक यू। थिएटर खुल गया। हम लोग जस्ट अभी मूवी से वापस लौटे हैं एंड आई वुड से मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई थिंक काफ़ी लोगों ने तो आप में से देख ली होगी मूवी, और जिन्होंने नहीं देखी होगी तो आई वुड से कि आप ज़रूर देखिएगा। शायद ट्रेलर तो आप लोगों ने देखा ही होगा। पिक्चराइजेशन ओके है, बट द टॉपिक दैट दे हैव चूज अबाउट बॉडी शेमिंग इज़ वेरी वेरी नाइस। सोशल मीडिया पर तो मैंने स्पेशली देखा है लोग ऐसे ही आके कुछ भी कॉमेंट में लिख के ट्रोल कर जाते हैं कि आप गोरे हो, आप काले हो, आपके बाल कम हैं, आपकी नाक बड़ी है, आपका फेस बड़ा है, आपका ये है वो है। बट आई वुड से कि किसी भी इंसान को ना फिजिकली आपको जज नहीं करना चाहिए, उसके दिल से उसकी बातों से आप उसे जज करो कि वो कैसा इंसान है, वो अच्छा है या बुरा है। थिंक अबाउट अ सिचुएशन कि आदमी या औरत कोई भी बहुत सुंदर है बट उसकी जो बोलने का स्टाइल है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, जब भी वो मुंह खोलती है तो उसके मुंह से कुछ गाली गलौज निकलती है, तो कितना बुरा लगेगा ना। एंड ऑन द अदर हैंड थिंक अबाउट अ सिचुएशन वेयर अ लेडी और अ मैन इज नॉट एट ऑल ब्यूटिफुल और हैंडसम, बट जब भी वो कुछ बात करता है तो बहुत मैनर्स के साथ, बहुत इज्जत से आपके साथ बात करे, तो आपको कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड आप कितना ज़्यादा अच्छा फील करोगे बात करके। तो मैं यही बोलूँगी कि किसी भी इंसान को ना फिजिकल अपीयरेंस से कभी भी जज नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग बोल देते हैं सोशल मीडिया पे, तो मैंने बहुत सारे चैनल्स पे लोगों के कमेंट्स में पढ़ा है कि लोग बहुत सोशल ट्रोल करते हैं, बट आई वुड से ऐसा नहीं करना चाहिए और किसी को भी फिजिकली हमें नहीं जज करना चाहिए। वी ऑल आर क्रिएशन ऑफ सिंगल गॉड। हमारे तो कृष्णा भी काले थे, तो क्यों हम ऐसे लड़कियों को जज करते हैं कि ये तो गोरी लड़की है तो बहुत सुंदर है, ये तो काली लड़की है तो बहुत खराब लगती है। जैसे हमारी 5 हाथ की उंगलियां बराबर नहीं है ना, वैसे भगवान ने किसी को भी सेम नहीं बनाया। तो चलो कोई बात नहीं, बहुत हो गई ज्ञान की बातें, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाली मूवी ज़रूर देखिएगा। जो भी लोग नेगेटिव सोचते हैं खुद के बारे में, खुद की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में या दूसरों के बारे में भी, उनके लिए ये मूवी बहुत अच्छी है, ज़रूर ज़रूर देखिएगा। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। और हाँ, आज हमारी मूवी में थोड़ा सा टाइम था तो हमने रॉस से थोड़ी सी शॉपिंग की है जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। सो आप वेट करिएगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग का। एंड अगर आपने आज का व्लॉग इंजॉय किया है, आपको थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आप लोग वीडियोस देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, और मैंने रिसेंटली देखा है कि वीडियोज़ पे थोड़े से व्यूज़ भी कम हो गए हैं, तो आई थिंक आप लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं जा रहे हैं, तो प्लीज़ हिट दैट बेल बटन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे हर न्यू वीडियो का। फिर से मिलेंगे एक और अमेजिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, इंजॉय करते रहिए, एंड टेक केयर। बाय बाय।